नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की व्रत कथा की जानकारी देंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है। आश्विन मास को पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है। शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा, कोजगिरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है, उसे अमृतकाल भी कहा जाता है। कहते हैं उस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। कथा के अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियाँ थी। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़े पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होती मर जाती थी। पंडितों से उनका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिनके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारा संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित के सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उनके लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लपटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया, तेरे पुण्य से यो जीवित हुआ। उनके बाद नगर में पूर्णिमा का व्रत का ढिंढोरा पीट दिया। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।